आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ताकि तीनों बिंदु जो हैं वो क्या हो जाएं, वो संरेखीय हो जाएं। तो हमारे पास बिंदु कौन कौन से, 7, -2, 5, 1 और 3, k, और दूसरी जो है वो 8, 1, k, -4 और 2, -5 है। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, डेल बराबर 0, ठीक है। और डेल की मान जो होती है वो होती है हाफ गुने x1 y2 -y3, ठीक, प्लस, ठीक है, x2 y3 -y1 x3 क्या होता है y1 -y2, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना बराबर 0, तो इसे जब हम हल करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे पहला क्या है, पहला है हमारे पास 7, -2, 5, 1, ठीक है, और 3, k। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा x1 क्या है, x1 है 7, ठीक है, x2 क्या है 5, और x3 कितना है, x3 है 3। इसी प्रकार y1 क्या है, y1 है -2, y2 है हमारा 1, और y3 क्या है दोस्तों, y3 है k। तो जब हम इसे यहाँ पे रखेंगे इस सूत्र में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, इतना हो जाएगा आधा गुने, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x1 कितना है दोस्तों 7, गुने y2 क्या है, y2 हमारा 1 है, 1 -k, ठीक है, प्लस x2 कितना है 5, गुने y3 क्या है दोस्तों k, -2, ठीक है। चलिए और यहाँ क्या हो जाएगा, x3 क्या है दोस्तों, x3 है 3, गुने y1 - y2, यानी कि क्या हो जाएगा -2 - 1, इतना बराबर क्या हो गया 0। तो ध्यान देंगे आधा जो है उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 - 7k और प्लस 5k प्लस 10, यहाँ क्या हो जाएगा -3, -3 क्या हो जाएगा -3 × 3, यानी कि 9 = 0। तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा -2k = 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 7 कितना 8, -8, यानी कि के की मान कितनी आई दोस्तों 4 आई, तो यहाँ से के की मान कितनी आई 4 आई, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार दूसरा अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा दोस्तों k हो जाएगा, और x3 क्या होगा 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार y1 क्या होगा, y1 1 होगा, y2 क्या होगा -4, और y3 क्या होगा दोस्तों, y3 होगा -5। चलिए अब हम इसे सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ गुने क्या हो जाएगा x1 यानी कि 8, गुने y2 - y3 यानी कि क्या हो जाएगा -4 - -5, ठीक है, x2 यानी कि k, ठीक है, y1 माइनस क्या था, पहले था हमारा y2 - y3, उसके बाद क्या था y3 - y1, तो क्या हो जाएगा -5 - 1 प्लस क्या हो जाएगा x3 यानी कि 2, फिर क्या था y1 - y2, तो क्या हो जाएगा 1 - -5 + 4, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। तो इसे जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा आधा गुने, यहाँ 8 मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि क्या होगा 8 प्लस क्या हो जाएगा -6, ठीक है, -6k क्या हो जाएगा यहाँ 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 = 0, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, आधा को अगर उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 10 और 8 = 18, ठीक है, 18 - 6k = 0, ठीक है, = 0, यानी कि k = 3 आया। तो इसके लिए k की मान 3 होगी, और यहाँ पे क्या होगा, k का मान 4 है, जिसके लिए हमारा जो तीनों बिंदु हैं वो क्या होंगे, संरेखीय होंगे, ठीक है दोस्तों। तो k = 4 और k = 3 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।